हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस के बारे में जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज डेट मान कर चलिए कि आप किसी पूरे फैमिली से बिलोंग करते हो, पूरे सदस्य की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप परिवार को संभालेंगे या फिर अपनी पढ़ाई वगैरह पूरा करेंगे, क्या करेंगे? या फिर मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी ये आपकी एजुकेशन चल रही हो और एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा इनकम आप अर्न करना चाहते हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? कौन सा काम स्टार्ट करेंगे, कौन सी जॉब पकड़ेंगे आप, कौन सा जॉब करेंगे आप, तो उसी के बारे में आज कुछ बात करने वाले हैं। गाइस, काम तो तरह तरह के है दुनिया में। सपोज डेट आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो गई, आपके परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, उस स्थिति में आपको पढ़ाई भी पूरा करना हो अपना, उस स्थिति में अगर कोई जॉब पकड़ते हैं आप, कोई जॉब करते हैं, पूरा टाइम जो है आपका जॉब में चला जाता है, आप पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, साथ में कोई एक अच्छा इनकम अर्न करके लेकर चलना चाहते हो आप, तो उन लोगों के लिए है रियल एस्टेट। एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, उस स्थिति में आप रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो भाई साहब, आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल तौर पर हमें बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा, हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तब तो हम कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है ना, आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं इस बिजनेस से, लाखों रुपये। आजकल जो है लोग नौकरी ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, 10,000-12,000 की जॉब ढूंढते हैं, 30 दिन काम करते हैं, भाई 10,000-12,000 सैलरी उनको मिलती है, वो क्यों करते हैं? 10,000-12,000 की जॉब में आजकल क्या कर पा रहे हैं लोग? ठीक से अपना खुद का सेल्फ खर्चा भी नहीं चल पा रहा है उनका गाइज, लेकिन फिर भी वो 10,000-12,000 की सैलरी वाला जॉब कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं वो। चलो महीने के 30 दिन काम करने के बाद उन्हें इतना तो पैसा मिल ही जाता है कि अपना खर्चा निकाल सकते हैं, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनके साथ वाला जो बंदा होता है वो अचानक से दिखता है उन्हें कि अरे बाप रे, वो तो ग्रोथ कर गया, आगे बढ़ गया, बहुत आगे निकल गया, अच्छा पैसा कमा रहा है, घर गाड़ी ये वो सब कुछ है उसके पास, तब उन्हें शर्म लगती है, तब वो सोचते हैं कि काश मैं भी ये कर पाता। और उस समय भी उन्हें शर्म आती है कि भाई हम रियल एस्टेट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, वो बंदा हमारे साथ वाला उतना आगे बढ़ गया, अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो उसके नीचे आ जाएंगे, उसके अंडर में काम करेंगे, उसके अंडर में हमें काम करने में शर्म आएगा। 1,000 में से 1 बंदा ऐसा निकलता है गाइस जो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ करना चाहता है लाइफ में, कुछ बनना चाहता है लाइफ में और कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है। 1,000 में से 1 बंदा ऐसा होता है। और बाकी जो लोग होते हैं ना, वो कंफर्ट जोन के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ जो है नॉर्मल चलते रहते हैं, आराम से धीरे 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 चलते रहते हैं। बट आप ऐसा मत कीजिएगा। रियल एस्टेट जो है बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, बहुत ही अच्छा सेक्टर है, लाखों रुपए आप यहाँ अर्न कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप जो है लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन सवाल ये उठ जाएगा कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम लाखों रुपया यहाँ से कैसे कमा सकते हैं? तो गाइज, रियल एस्टेट में सबसे पहले काम स्टार्ट करने के लिए आप एजेंट के तौर पे काम करें।